देश का सबसे बड़ा कॉमेडी शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में होकर रहेगी दया बैन की एंट्री। दया बैन को लेकर मेकर्स ने दे दिया है हरी झंडी। खुद असित कुमार मोदी को सामने आकर कहना पड़ा ये बड़ी बात। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो पूरा मांजरा। क्या 15 साल के बाद वाकई दया बैन की सचमुच होने जा रही है तारक मेहता में एंट्री, या फिर अब भी महज सिर्फ और सिर्फ रूमर्स फैलाए जा रहे हैं शो के लिए। वेल, आपको बता दें तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है और 15 साल का जश्न मनाया जा रहा है शो में। इसको लेकर तो हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन उससे ज़्यादा तमाम फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सबसे पुरानी और फेवरेट कैरेक्टर दया बैन की एंट्री की। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर्स असित कुमार मोदी ने अब इंडिया फोरम से बात करते हुए कुछ बड़े खुलासे किए हैं। असित कुमार मोदी ने ये साफ कर दिया है, जी हाँ बिल्कुल, दया बैन की एंट्री होगी और 100% होगी। हम और हमारी टीम पूरा काम कर रही है दिशा वकानी जी को ही दया बैन के कैरेक्टर में लाने की। तो यहां पर असित कुमार मोदी ने दो टूक जवाब दिया है उन हेटर्स को जो ये कह रहे थे कि दिशा वकानी को रिप्लेस किया जाएगा या फिर दिशा वकानी की असित कुमार मोदी के साथ कोई कंट्रोवर्सी या नोक झोंक चल रही है जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब दिशा वकानी को लेकर असित कुमार मोदी ने दो टूक जवाब दे दिया है कि जी हाँ, दिशा वकानी से हमारी कॉन्टैक्ट चल रही है, बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्दी आप दिशा वकानी जी को देखोगे सेट पर, यानी कि आप सबके फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बैन को लेकर सुंदर लाल ने भी बीते दिनों ये अनाउंस किया था कि उनकी बहन की एंट्री होने जा रही है शो में। लेकिन अब तक मेकर्स ने किसी भी तरीके का डेट रिवाइल नहीं किया है। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कितना एक्साइटेड हो दया बैन की एंट्री पर, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब